नमस्कार दोस्तों, आपको वेलकम है स्टॉक ट्रेडर में, आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया शेयर के बारे में, जो कि दोस्तों अपना प्रॉफिट देने का दमखम है दिखाने की कोशिश करने वाला है या फिर नहीं करने वाला है, कितने तक हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये सब बातें करेंगे। दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एक उम्दा सेक्टर के बारे में। दोस्तों जो से ये मार्केट में वायरस का छिड़काव हुआ है, तब से ये मार्केट तेज़ी से बढ़ने के बदले नीचे घट रहा है, मगर दोस्तों उसमें एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका नाम है फार्मा सेक्टर। दोस्तों अभी हम फार्मा सेक्टर से एक शेयर लाए आपके सामने, जो कि आपका 3 साल का व्यू हो या 4 साल का या 10 साल का, मगर आपका पैसा जरूर बनेगा। तो दोस्तों चलिए लेके चलते हैं आपको टेक्निकल चार्ट पे और जानेंगे बहुत सारी बातें, उससे मिलेगा आपको किस तरह से प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों हम अभी आए टेक्निकल चार्ट पे। दोस्तों शेयर का नाम है एडवांस एंजाइम, बहुत ही अच्छा शेयर है दोस्तों, जो कि अभी तक प्रॉफिट दे रहा है। और जिस तरह से मार्केट में गिरावट का दौर देखा गया दोस्तों, इस शेयर में गिरावट का दौर नहीं देखा गया, ये शेयर अपना दमखम लगा के मार्केट में खड़ा है और अभी भी प्रॉफिट देने के लिए, एक अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए, अपने जो स्ट्रांगनेस काबिलियत साबित करने के लिए ये शेयर लगा पड़ा हुआ है। दोस्तों ये शेयर आता है फार्मा सेक्टर से और फार्मा सेक्टर बढ़िया ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन से जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी वीडियो हमारा बनेगा सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका प्रॉफिट और ज्ञान बनेगा, मोटिव बना रहेगा। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले इसके बारे में। दोस्तों ये रहा उसकी लेवल्स, देखिए बढ़िया से बढ़िया उसमें लेवल आते जा रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ की जान के बाद, डीप लगाने के बाद शेयर ने किस तरह से यहाँ पे अपना रुझान दिखाया है और यहाँ से मार्केट ये यहाँ ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये आने वाले दिनों में ये जो लेवल दिख रहा है दोस्तों 170 के आसपास का लेवल, तो दोस्तों ये ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश करने वाला है। पर दोस्तों शेयर की बात करें तो लगभग दोस्तों ये शेयर अभी 258 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये कल का डेटा यहाँ कल का डेटा दिख रहा है यहाँ पे, जैसा कल का 160 के क्लोजिंग थी, आज का डेटा 158 पे क्लोज हुआ डेटा। दोस्तों यहाँ से आपको समझना है किस तरह इसमें आने वाले दिनों में आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं आने वाले ट्रेड के बारे में, दोस्तों डेफिनेटली ट्रेड अच्छा करना है हमें या प्रॉफिट बनाना है, तो उसके बारे में सोचना बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हमें 207 रुपीज़ या 8 रुपीज़ का टारगेट दिख रहा है। दोस्तों एक मिनट दोस्तों देख रहा हूँ, 207 रुपीज़ का ही टारगेट है। दोस्तों यहाँ से बढ़िया टारगेट दिखता हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम यहाँ से अगर मार्केट पकड़ता है तो 207 रुपीज़ का मार्केट यहाँ से टारगेट दिखेगा। दोस्तों इस शेयर में हमें नीचे साइड भी देखना ही, इस पर कितना लेवल का टारगेट बना हुआ है। तो दोस्तों आप इसमें पकड़ के चल सकते हैं, 130 रुपीज़ का डाउन साइड टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक मेजर सपोर्ट मान के भी चल सकते हैं 130 रुपीज़ को। अगर दोस्तों आप चाहते हैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बनना हो, दोस्तों इसमें जो लॉन्ग टर्म की गुणवत्ता है दोस्तों बहुत ही बढ़िया शेयर है, मुझे पसंद है। इसका टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में बहुत बातें मुझे अच्छी लगने लगी इस पर, जो कि आपको एक मोहर लगा देते हैं आने वाले दिनों में आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो सकता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करेगा किस तरह पैसा आपको इसमें बनाना है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, ज़रा यहाँ पे मेरा ऑफिस रोड के बाजू में होने के साथ उससे यहाँ पे मुझे बहुत सारी गाड़ी की आवाज़ आती है, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से आने वाले दिनों में बढ़िया टारगेट मिल सकते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में बने के रहने के लिए बहुत ही बड़ी इसमें अपॉर्चुनिटी है और ये लेवल भी बहुत बढ़िया है। उसका डाउन साइड की बात की जाए दोस्तों 97 इसने अपना 98 रुपीज़ दोस्तों इसने हमारा अपना जो 52 वीक्स का लो बनाया हुआ, और उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो टोटल 225 रुपीज़ का इसने 52 वीक हाई बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये शेयर है कि टेक्निकल पे दिख रहे हैं। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल, किस तरह से शेयर में जो हमारे एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि इसमें क्यों ज़्यादा बाइंग आनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ फंडामेंटल बातें जानना भी बहुत ज़रूरी होते हैं दोस्तों, टेक्निकल तो जानेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मार्केट में किस तरह से इसका जो मार्केट कैपिटल 1,765.64 करोड़ का इसका कैपिटल, दोस्तों एज पर कैपिटल की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही बढ़िया दिख रही है एडवांस इंजीनियर में। तो दोस्तों आपको किस तरह से इसमें रुचि आ रही है या नहीं आ रही है डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये दोस्तों यहाँ पे EPS इसका 4.58 रुपये है, उसका पी दोस्तों 34.52 रुपये है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात सर्च कर रहे हैं EPS हमेशा अच्छा हो और पी उसका कम हो। दोस्तों यहाँ पे उल्टा हो गया, इसका जो पी है वो ज़्यादा है, उससे EPS कम है। तो दोस्तों ये शेयर बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके जो हम कह सकते हैं जो मूल भाव है वो कम एज अ रेट से थोड़ा कम चल रहे हैं, मार्केट के हिसाब से थोड़ा कम चल रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया रुझान इसमें देखने मिलने वाले आपको।
और इसमें क्योंकि जो अपने कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छी अच्छी से अच्छी यहाँ पे कंपनी का किस तरह से प्रॉफिट लाने की कोशिश करेंगे उसके बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों हम थोड़ी सी बात करेंगे शॉर्ट की, तो शॉर्ट देखिए क्या बोल रहे हैं दोस्तों। 11 यहाँ पे स्ट्रेंथ है और वीकनेस की बात करें तो 4 है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी 3 है और थ्रेड्स की बात की जाए तो 0 है या थ्रेड्स है ही नहीं क्योंकि फार्मा सेक्टर है दोस्तों। वो यहाँ पे स्ट्रेंथ 11 है, तो दोस्तों स्ट्रेंथ 11 में सबसे बड़ा एक रीज़न क्या रहता है यहाँ पे देखिए, प्रमोटर्स इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग दोस्तों, बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो 11 स्ट्रेंथ में देखेंगे दोस्तों 11 स्ट्रेंथ में क्या है सबसे बड़ी बात है, शेयर होल्डिंग बढ़ रहे हैं कंपनी विद द TTM EPS ग्रोथ हो रहा है उसका, और क्वार्टर की क्वार्टर इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन हो रही है, ग्रोथ इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी विथ लो डेट। देखो दोस्तों मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे प्रमोटर अपनी इंक्रीजिंग कर रहे हैं शेयर होल्डिंग में, तो ये सबसे बड़ी बात है जिसके कारण इसका कंपनी का डेट कम होते जा रहा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, जो कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा किस तरह ये शेयर के दिन ब दिन ग्रोथ आने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है दोस्तों, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स है, कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, सबसे बड़ी बात दोस्तों इन्होंने अपने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखे हैं, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो सकता है कंपनी के लिए। और FPI इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, देखिए दोस्तों FPI और FII यहाँ पे शेयर होल्डिंग इंप्रूव कर रहे हैं खुद की, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है प्राइस अबाउ शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दोस्तों जो कि मुझे लग रहा था, जैसे मैंने कहा आपको इसमें टेक्निकल्स भी बढ़िया और यहाँ पे स्ट्रेंथ तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रही है मुझे यहाँ पे। अब की बात करेंगे हम तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस तरह ये शेयर हमें मोमेंटम दिखा रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है प्रॉपरली हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 57.88% यहाँ पे क्या है दोस्तों उनकी शेयर होल्डिंग है किसकी दोस्तों, प्रमोटर्स की दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं नीचे और ऊपरी समय पे हम देख सकते हैं FPI EDIs अदर्स का यहाँ पे इम्पोर्टेंट कितना बन गया है यहाँ पे इस शेयर में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे इनकी जो शेयर थे दोस्तों प्लेस बड़े थे, जो कि छुड़वा के लेने के बाद इन्होंने अपनी जो बाइंग है इसमें बढ़ाई है प्रमोटर्स ने, और दोस्तों FPI 11.12% यहाँ पे अपनी जो ग्रोथ है वो दिखा रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। DI 16.35 दोस्तों जो कि ज़्यादा इंटरेस्टेड बता रहा है इसमें अपना इंटरेस्ट, ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया मुझे इसमें हर चीज़ दिख रही है दोस्तों। आपका आने वाला 3 या 4 या 5 या 10 साल है जो भी आपके लॉन्ग टर्म के व्यूज के लिए आप सोच रहे हो दोस्तों, ये शेयर मुझे बढ़िया लग रहा है, आप पैसा बनाइए दोस्तों और मैं भी पैसा बनाऊँगा, और दोनों के लिए हम दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, आप पैसा बनाते चलिए हम भी पैसा बनाते चलिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे का शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।